तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न रेनिगेट्स वोमेन वर्सेस सिडनी सिक्सर्स वोमेन के बीच वोमेन्स बिग बैश लीग 2024 का दोस्तों जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है मेलबर्न रेनिगेट्स वोमेन जिनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, और दूसरी तरफ है दोस्तों सिडनी सिक्सर्स वोमेन जिनके बड़े बड़े खिलाड़ी इस मुकाबले में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, तो कौन से खिलाड़ी खेलेंगे ये भी जानेंगे। और खास करके इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको कौन सी टीम्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को लेना चाहिए, मेलबर्न या सिक्सर्स की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाएं। तो गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 27 तारीख को सुबह में 11:40 पर खेला जाएगा, और ये दूसरा मुकाबला है। और इससे पहले 8 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा, तो उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो देख लीजिए। और ग्राउंड की बात करें तो एडिलेड ओवल एडिलेड में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर वुमेन्स के दोस्तों जो बिग बैश लीग के मुकाबले हुए हैं वो टोटल 24 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 बार और चेस करने वाली टीम 16 बार जीती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी टीम चेस करेगी उनका जीतने का चांसेस ज्यादा रहेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पर मात्र 120 और 124 के आसपास देखने को मिलेगा। हाइस्ट स्कोर यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बनाया है 175 रन का, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। और लोएस्ट स्कोर भी यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स का ही है 82 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों जो 24 मुकाबले हुए हैं उसमें से 20 बार यहाँ पर 150 के नीचे स्कोर बना है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर आपको स्पिनर्स को अच्छा खासा और बॉलर्स को मदद मिलते हुए दिखेगी। यहाँ पर 150 और 70 के बीच में 2 बार और 170 और 190 के बीच में 2 बार स्कोर बना है, और 190 के ऊपर अभी तक एक भी बार स्कोर बनते हुए नहीं दिखा है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के दो वुमेन्स बिग बैश लीग के मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं इसकी स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें एडिलेड स्ट्राइकर वोमेन ने 125 रन की टारगेट दी थी, और ब्रिस्बेन हिट वोमेन वो टारगेट चेज नहीं करने पाई, और एडिलेड स्ट्राइकर वोमेन 3 रन से जीती। और यह फाइनल का मुकाबला है जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था, और जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली थी। और उससे पहले एक और मुकाबला यहाँ पर हुआ था पिछले साल, जिसमें पर्थ स्कोचर्स वोमेन 140 रन की टारगेट दी थी, और एडिलेड स्ट्राइकर्स आसानी से टारगेट चेज करके 5 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली और दोस्तों स्पिनर्स को 3 विकेट। तो पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर देखा जाए तो फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिली है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलते हुए दिख रही है, और यहाँ पर उतना ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों जो पिछले दोनों मुकाबले हुए हैं उसमें फास्ट बॉलर को 18 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो आपको दोनों टीम्स में बेहतरीन फास्ट बॉलर देखने को मिल जाएंगे, और खास करके मेलबर्न रेनिगेट्स में दोस्तों आपको बेहतरीन ऑलराउंडर्स भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 4 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, बॉलर्स को तो यहाँ पर जमकर मदद मिलने वाली है। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो मेलबर्न रेनिगेट्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच अभी तक वुमेन्स बिग बैश लीग में टोटल 18 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से मेलबर्न रेनिगेट्स 6 बार और सिडनी सिक्सर्स लगभग दुगना 12 बार जीती है। तो इस मुकाबले में भी दोस्तों सिडनी सिक्सर्स का पगड़ा भारी रहता, तब भारी रहता जब दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की तरफ से मेन मेन जो खिलाड़ी हो गई अमेलिया केर हो गई एलिसा हेली खेलती, लेकिन अभी बड़े बड़े खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जो पगड़ा भारी रहेगा वो दोस्तों इस मुकाबले में केवल मेलबर्न रेनिगेट्स का रहेगा। और रिसेंट फॉर्म मेलबर्न रेनिगेट्स का देखिएगा तो उतना कुछ खास नहीं है, 5 में से 1 ही मुकाबले जीते हैं, लेकिन फिर भी इनका पकड़ा भारी रहेगा क्योंकि इनके ज्यादातर जो 6-7 खिलाड़ी हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप में खेली थी सारी अवेलेबल हैं। और सिडनी सिक्सर्स की दोस्तों रिसेंट में देखा जाए तो 5 में से 2 ही मुकाबले जीती हैं, उतना भी बेहतर नहीं है, लेकिन इनकी अभी ज्यादातर खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स की प्लेइंग 11। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से बस यही बोल दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग सारे वीडियो और सारे मैचेस की नोटिफिकेशन पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, ताकि आपको सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले मिले।
तो दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग करते हुए एले मैथ्यूज दिखेंगे डेंड्रा डॉटिन के साथ, जो कि दोस्तों दोनों वेस्ट इंडीज वुमेन की बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद एलिसा कैप्सी दिखेंगी। तो टॉप के दोस्तों जो तीन खिलाड़ी हैं, ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि अभी T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचा करा ही रही हैं। फिर यहाँ पर कॉन्ट्री वेब आएंगी चौथे नंबर पर, फिर दोस्तों जॉर्जिया वरहम, जो कि दोस्तों ये भी T20 वर्ल्ड कप में खेली थी, फिर यहाँ पर निकोले फाल्टम, उसके बाद जॉर्जिया, यहाँ पर प्रिस्ट वाइट, उसके बाद दोस्तों एमआरडी ब्रॉच, जो कि रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, ये ऑलराउंडर है, फिर सोफी मोनोलेक्स, फिर लिंसिया स्मिथ और यहाँ पर सारा कॉइट। तो दोस्तों यहाँ पर सोफी मोनोलेक्स और लिंसिया स्मिथ भी T20 वर्ल्ड कप की पार्ट थी। इधर से देखिएगा तो ज्यादातर खिलाड़ी आपको वर्ल्ड कप वाली ही दिखेंगी, और पावर प्ले में सोफी मोनोलेक्स और सारा कॉइट आपको बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में एच मैथ्यूज और सारा कॉइट। तो दोस्तों प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग यही रहने वाली है, और इनकी तरफ से देखा जाए तो मेलबर्न रेनेगेड्स में सारे प्लेयर अवेलेबल हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ओपनर देखा जाए तो एच मैथ्यूज ओपनिंग करेंगी डेंड्रा डॉटिन के साथ, और दोनों दोस्तों यहां पर वेस्ट इंडीज की बेहतर ओपनर्स हैं, तो इन दोनों पर तो आपको फोकस करना ही है। एच मैथ्यूज पिछले मुकाबले में भले ही मात्र 15 रन की पारी ही खेली हो, लेकिन उससे पहले 50 रन 2 विकेट, 34 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 14 रन 2 विकेट, और ये दोस्तों वर्ल्ड कप नहीं है, यहाँ पर ये लोग और खुलकर खेलेंगे, लीग मैचेस है तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। और डेंड्रा डोटिन इनका परफॉर्मेंस देखिएगा तो 34 रन 4 विकेट पिछले मुकाबले में, 27 रन 1 विकेट, 19 रन 28 रन। तो दोस्तों अब एलिसा कैप्सी की बात करें तो इनका भी रिकॉर्ड देखिएगा रिसेंट में तो उतना कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी 40 रन और 30 रन इन्होंने बेस्ट पारी खेली है। एलिसा कैप्सी का रिकॉर्ड दोस्तों बिग बैश लीग में अच्छा रहता है। तो दोस्तों जो टॉप के तीन खिलाड़ी हैं, तीनों खिलाड़ी दोस्तों बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी रहने वाली हैं और बिल्कुल सेफ ऑप्शन रहने वाली हैं। तो इन तीनों पर तो पूरी दुनिया फोकस करेगी, आपको दोस्तों ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर, मैं बता दूं कि दोस्तों कॉन्ट्री वेब के ऊपर। तो दोस्तों क्यों क्यों है? मतलब कॉन्टिन्यू वेव, इनके ऊपर आपको फोकस करना है क्योंकि इनको मात्र 10-15% ही लोग लिए हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 39 रन 36 रन 37 रन 37 रन और 45 रन, और ये दोस्तों ज़रा पहले का नहीं है, अभी कुछ ही हफ्ते पहले इनका T20 स्प्रिंग चैलेंज हुआ था, उसमें दोस्तों इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। तो टॉप के तीन खिलाड़ी तो सेफ ऑप्शन रहेंगी, बाकी दोस्तों कॉन्ट्री वेव इस मुकाबले में ट्रंप खिलाड़ी रहने वाली है। जॉर्जिया वरहम भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी, रिसेंट में दोस्तों कुछ खास इनका रिकॉर्ड रहा नहीं है, केवल एक मुकाबले में 2 विकेट, फिर 1 विकेट 1 विकेट मिली है वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बिग बैश लीग में इनका परफॉर्मेंस तगड़ा रहता है ज्यादातर खिलाड़ियों का, तो ये भी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी। अब दोस्तों निकोल फॉलमेंट की मतलब फ्लोटम की बात करें तो इनको आपको नहीं लेना है, और इनको तभी नहीं लेना है जब दोस्तों मैं यहाँ पर ये मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि एक तो ये विकेट कीपर है, बॉलिंग तो कराएंगे ही नहीं, और इनकी तरफ से आपको बेहतर विकेट कीपर दोस्तों आपको सिडनी सिक्सकर्स की तरफ से दिखेंगे, जिनका बैटिंग ऑर्डर पहले है, रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, तो आपको इनको तभी लेना है जब पहले बैटिंग करे दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट वुमेन की टीम, बाकी रिसेंट में 18 रन 2 रन 44 रन 43 रन की पारी खेली है। फिर जॉर्जिया प्रेस्ट वाइट की बात करें तो ये इनका भी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है दोस्तों T20 स्प्रिंग लीग में, देख सकते हैं रिसेंट में हर मुकाबले में इनको विकेट मिली है, पिछले मुकाबले में 1 विकेट, फिर उससे पहले 1 विकेट, 2 2, फिर 2, तो इनको ऊपर भी मात्र दोस्तों 5% ही लोग फोकस किए हैं और 5% ही लोग इनको अपनी टीम में रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो ऐसे खिलाड़ी बता दिया जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है, और वो आपको इस मुकाबले में ट्रंप खिलाड़ी रहने वाली है, पहली दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्री वेव, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जॉर्जिया प्रिस्ट वाइट, इन दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ियों को तो 80-90% लोग लिए हैं। अब दोस्तों नीचे से बात करें एमआरडी ब्रॉच, तो इनका भी परफॉर्मेंस रिसेंट में T20 स्प्रिंग में बहुत अच्छा था, 29 रन 1 विकेट, फिर 31 रन 1 विकेट, 54 रन 2 विकेट, फिर दोस्तों 2 विकेट, तो इनके ऊपर भी आपको इस मुकाबले में मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करना है, स्मॉल लीग में नहीं, क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस वाली ये सब खिलाड़ी नहीं है, रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, तो अगर इस मुकाबले में मौका इनको मिलता है, मौका मिलना भी चाहिए, तो अच्छा परफॉर्मेंस तो करेंगे ही। तो ये जो तीन खिलाड़ी हैं ये दोस्तों सेफ ऑप्शन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी ये ट्रंप खिलाड़ी तीनों रहने वाली है। अब दोस्तों बॉलिंग में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से सोफी मोनोलिक्स और सारा ब्राइट, ये दोस्तों बिल्कुल भरोसेमंद है क्योंकि सोफी मोनोलिक्स का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो हर मुकाबले में वर्ल्ड कप में 2 विकेट मिला है, भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो। फिर सारा क्वाइटा की बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 विकेट, उससे पहले 3, फिर रिसेंट में भी 2-3 विकेट ली है। लिंसिया स्मिथ का भी रिसेंट में वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छा था, और उससे पहले भी ये 100 वुमेन्स के मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है। तो तीनों बॉलर दोस्तों यहां पर बेस्ट रहेंगी, और सबसे बेस्ट दोस्तों यहां पर रहेंगी सोफी मोनोलिक्स और सारा क्वाइट, और लिंसिया स्मिथ की बात करें तो इनको आप लोग डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनको कम लोगों ने लिया है। बाकी जो टॉप के मैंने तीन खिलाड़ी को बताया, ये ट्रंप खिलाड़ी रहेंगी इस मुकाबले में। अब इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में टीम चाहते हैं, आपसे टीम नहीं बन रही है, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा,
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और जो इससे पहले मैच खेला जाएगा, जो पहला मुकाबला होगा वुमेन्स बिग बैश लीग जो 8 बजे है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और अगर आप लोग सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। अब बेंच पर यहाँ पर दोस्तों 6 खिलाड़ी बैठी हुई हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस जहां तक मुझे लग रहा है कि किसी का भी नहीं है। अगर कुछ भी बदलाव होता है ऊपर नीचे तो मैं आपको अपडेट तो करूंगा ही, साथ में आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर कि मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन का दोस्तों कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है सिडनी सिक्सर वुमेन के खिलाफ। तो दोस्तों अगर बड़े बड़े खिलाड़ियों का देखा जाए तो अच्छा ही है। हैली मैथ्यूज का दोस्तों 14 मुकाबले में 16 का एवरेज है, 13 विकेट ली है। डेडरा डोटिन का 38 का है दोस्तों, 5 विकेट ली है 7 मुकाबले में। एलिसा केप्सी का 12 का है, तो एलिसा केप्सी को अगर आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो एलिसा केप्सी को ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक तो रिसेंट फॉर्म भी उतना बेहतर नहीं है और बिग बैश लीग में भी कुछ खास इन्होंने हेड टू हेड में किया नहीं है। क्वांट्री वेब का बेहतर है दोस्तों, 11 मुकाबले में 180 रन बनाई है 19 के एवरेज के साथ। जॉर्जिया वरहम का 29 का एवरेज है, 6 विकेट ली है। बाकी निकोला फेल्टमन का 10 का है। बॉलिंग में दोस्तों यहाँ पर जॉर्जिया प्रिटवाइट का 8 में 2 और बाकी सोफी मेनलिक्स का 15 में 12 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अच्छा है उनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि सिडनी सिक्सर वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11, क्योंकि इनकी तरफ से आपको हेली विकेट कीपर से देखने को नहीं मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों एमेलिया केयर जो कि अभी ओडीआई सीरीज में बिजी है इंडिया वुमेन के खिलाफ, तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है अवेलेबल, तो इनकी तरफ से जो टीम है थोड़ी कमजोर लग रही है। तो यहाँ पर होली एमर्डेज आपको ओपनिंग करते दिखेंगे सारा ब्रायंस के साथ, और ये विकेट कीपर है तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। और फिर एलिसा परी आएंगी, एसली गार्डनर, तो टॉप ऑर्डर में केवल 2 यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी दिख रही हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप में थी। फिर यहाँ पर दोस्तों एम कारमिचेल आएंगी 5वें नंबर पर, फिर दोस्तों यहाँ पर फ्रैंकी निकलेन, फिर दोस्तों यहाँ पर मिल्टन ब्राउन, उसके बाद दोस्तों कैटी पीटरसन, फिर लॉरेन चिटल, उसके बाद सोफी लेक्सटोन और यहाँ पर कॉन्ट्री सिपल। तो दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग में भी सोफी लेक्सटोन है जो कि T20 वाली है, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग चेंजेस रहेगी, और इनकी तरफ से अगर ऊपर नीचे होता है कोई भी बदलाव होता है तो आप लोग को मैं टेलीग्राम पर तो अपडेट करूंगा ही। ज्यादा चांसेस है कि ऐसा प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर रहेगी। पावर प्ले में यहाँ पर एल चिटेल और एशली गार्डनर बॉलिंग कराते दिखेंगी, और आखिरी ओवर में केट पीटरसन और यहाँ पर सोफी लेक्सटोन। बाकी दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म के ऊपर, तो रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इनमें से दोस्तों आपको दिखेगा कि होली एमरदेज का दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले 3 मुकाबले में फ्लॉप हुई है, लेकिन उससे पहले 57 रन, 69 रन, 62 रन और 39 रन की पारी खेली है। तो इनके ऊपर भी बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, तो ये दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी। बाकी अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो यहाँ पर सारा ब्रायंस सेफ रहेंगी, एलिसा पेरी सेफ रहेंगी और एशली यहाँ पर गार्डनर सेफ रहेंगी। तो टॉप के 3 खिलाड़ी मैंने बता दिया, सारा ब्रायंस सेफ इसलिए रहेंगे क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से हैं और बैटिंग ऑर्डर भी अच्छा पोजीशन पर है। पिछले मुकाबले में 27 रन, फिर उससे पहले 49 रन और 52 रन की इन्होंने बेस्ट पारी खेली है। एलिसा पेरी का वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड अच्छा था, 31 रन, 32 रन, 22 रन, 30 रन और आपको वुमेन्स बिग बैश लीग में ये बॉलिंग कराते हुए भी दिखेंगी, और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड सबसे बेहतर है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। गार्डनर का भी रिकॉर्ड रिसेंट में वर्ल्ड कप में अच्छा था, 7 रन, 4 विकेट, फिर 1 रन, फिर दोस्तों 12 रन, 1 विकेट, 31 रन। तो इन तीनों पर आपको फोकस करना है, जो कि मैंने स्टार लगाया है ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ रहेंगी। बाकी यहाँ पर कारमिचेल की बात करें तो कारमिचेल का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ठीक ही ठाक है, पिछले 2 मुकाबले में भले ही फ्लॉप हुई हूँ, फिर उससे पहले 28 रन, 27 रन और 41 रन की पारी खेली है। तो ऊपर से होली अमरदेज और नीचे से एम कारमिचेल पर आपको केवल और केवल मेगा ग्रैंड लीग की टीम में फोकस करना है अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर फ्रैंकी निकलेन की बात करें तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ही है, केवल 1 मुकाबले में इनको 2 विकेट मिला है, बाकी सारे मुकाबले में विकेट लेस ही रही हैं। तो इनके ऊपर आपको तभी फोकस करना है जब यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स की टीम पहले बैटिंग करे। फिर यहाँ पर मिल्टन ब्राउन की बात करें तो ये ऑलराउंडर हैं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है और ये कभी कभी बॉलिंग भी नहीं कराती हैं, तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। अब केट पीटरसन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर केट पीटरसन का भी रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, लेकिन ये बैटिंग कर लेती हैं, तो रिसेंट के 4 मुकाबले में इनको विकेट ही नहीं मिली है T20 स्प्रिंग चैलेंज में, तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है, केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बॉलिंग में दोस्तों आपको इधर से केवल 1 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि बेस्ट है, सोफी लेक्सटोन, जिनका रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, पिछले 3 मुकाबले में इनको 5 विकेट मिली है वर्ल्ड कप में। बाकी यहाँ पर लॉरा चिटल की बात करें तो इनका फॉर्म बहुत बेहतर है रिसेंट में, तो ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ रहेंगी। तो बॉलिंग में दोस्तों आपको इधर से फोकस करना है सोफी लेक्सटोन के ऊपर और दोस्तों यहाँ पर लॉरा चिटल के ऊपर। तो ये दोस्तों आपको कुछ खिलाड़ी मैंने बता दिया ये सेफ ऑप्शन रहेंगे इधर से।
जो कि इस मुकाबले में बहुत ज्यादा चांस है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। तो इनकी टीम थोड़ी कमजोर है जो कि मैं आपको शुरू से ही डिस्कस कर रहा हूँ, और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो ट्रंप खिलाड़ी हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई है, तो देख सकते हैं टॉप के जो तीन खिलाड़ी है यहाँ पर जो कि इस मुकाबले में अवेलेबल नहीं है। एनी ब्रांस का भी रिकॉर्ड बहुत बेहतर है रिसेंट में। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो नीचे के खिलाड़ी हैं जो कि अवेलेबल है उनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं लग रहा है। अगर जैसा भी होगा आपको मैं अपडेट करूंगा। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर कि सिडनी सिक्सर वुमेन का कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन के खिलाफ। तो दोस्तों एलिसा प्री का दोस्तों सबसे बेहतर है, 17 मुकाबले में 676 रन 75 के एवरेज, 13 विकेट ली हैं, और एलिसा प्री को मात्र 4-5% ही लोग कप्तान बनाए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है मेगा ग्रैंड लीग में आप लोग इनको कप्तान बना सकते हैं। गार्डनर का 16 का एवरेज है 17 मुकाबले में। बाकी दोस्तों मिल्टन ब्राउन का दोस्तों 41 का एवरेज है। बॉलिंग में सबसे एक्सपीरियंस वाली है लोरा चेटल जो कि 11 मुकाबले में 15 विकेट ली है। सोफी लेक्सटोन 2 में 2, बाकी दोस्तों सिंपली यहाँ पर 7 में 5। तो दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस कैसी रहेगी अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले पहले टीम की बात करें तो पहले टीम हमारी बिल्कुल सेफ टीम रहेगी, बिल्कुल जो आप लोग अपने से भी बना रहे होंगे। इसमें दोस्तों कप्तान हमारे रहेंगी यहाँ पर एच मैथ्यूस और वाइस कप्तान गार्डनर जो कि दोस्तों बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कराएंगी। और आप लोग यहाँ पर डेंड्रा डोटिन को भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी, क्योंकि डेंड्रा डोटिन को बहुत ही कम लोग कप्तान वाइस कप्तान कर रहे हैं। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहेंगे कि आप लोग डेंड्रा डोटिन और एच मैथ्यूस में से कैप्टन वाइस कैप्टन करिएगा। बाकी यहाँ पर एस ब्रायन्स को मैंने लिया, यहाँ पर एलिसा पेरी को, डेंड्रा डोटिन और एलिसा केप्सी, ज्यादातर मैंने यहाँ पर ऐसे खिलाड़ियों को लिया है इस टीम में जो कि दोस्तों आपको वर्ल्ड कप में दिख रही होंगी। तीनों बैट्समैन दिख रही होंगी वर्ल्ड कप में, तीनों ऑलराउंडर वर्ल्ड कप वाली है, जोरिया वरहम भी। और बॉलिंग में दोस्तों यहाँ पर एस क्वाइट, एल चिटल जिनका फॉर्म अच्छा है, सोफी मोनेलिक्स और यहाँ पर सोफी मतलब मोनेलिक्स और दोस्तों एलेक्सटोन जो कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है। तो ये दोस्तों पूरी बैलेंस टीम है। यहाँ पर 6 खिलाड़ी मैंने मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन की तरफ से लिया, सिडनी सिक्सर वुमेन की तरफ से 5 खिलाड़ी, और यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने सेफ बनाया है। अब दोस्तों ये तो हो गई सेफ टीम, जो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए है दूसरी टीम। दूसरी टीम में मैंने बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन किया है क्योंकि इस ग्राउंड पर जो एवरेज स्कोर है वो मात्र 120 रन का है और विकेट भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर गिर रहे हैं। तो यहाँ पर सोफी लेक्सटोन और दोस्तों सोफी मोनेलिक्स दोनों स्पिनर को मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन किया है। हालांकि रिसेंट के कुछ मुकाबले में स्पिनर को उतना मदद नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये दोनों ऐसी स्पिनर है जो कि कैसा भी पिच हो इनको विकेट मिल ही जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एस क्वाइट को मैंने लिया है और यहाँ पर मैं 4 ऑलराउंडर ले रहा हूँ, एम ब्राउन को भी ले रहा हूँ, जॉर्जिया वरहम, गार्डनर और यहाँ पर एच मैथ्यूज, बाकी तीनों हमारी बैट्समैन वही हैं, और यहाँ पर सारा ब्रायंस। तो इस टीम में आप लोग सेम टीम बनाकर कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग एलिसा पेरी और ब्रेंडन डोटिन को भी कर सकते हैं। ये दोनों आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर वुमेन्स बिग बैस्ट लीग में अच्छा खासा अगर आपका सपोर्ट रहता है तो मैं आगे आप लोग के लिए गिवे भी लाऊंगा। तो दोस्तों पहले मैच की वीडियो भी फटाफट से देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।